हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वायरस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस टाइम सारे देशों में कोरोना वायरस की महामारी है और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पेंडेमिक अनाउंस कर दिया है, क्योंकि यह बहुत तेज़ी से ग्लोबली स्प्रेड हो रहा है। दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज जैसे USA, इटली, ईरान, इंडिया भी इससे पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाए हैं, जिनकी वजह से इनकी इकनॉमी भी बहुत तेज़ी से गिर रही है और अब यह वायरस इंडिया में भी बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वायरस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करें हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें कि ये वायरस होते क्या हैं। तो दोस्तों, ये वायरस एक स्मॉल पार्टिकल होते हैं जो कि बहुत ही टाइनी होते हैं, यानी कि बहुत छोटे, जिन्हें हम अपनी जो नंगी आंखों से नहीं देख सकते, और वो इतने छोटे होते हैं कि इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो जैसे कि हमारे बहुत से माइक्रोस्कोप डिस्कवर किए गए, जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप हो गया या नॉर्मल माइक्रोस्कोप हो गया, लेकिन उन नॉर्मल और लाइट माइक्रोस्कोप से हम इसे नहीं देख सकते हैं। अगर हमें किसी वायरस को या इन स्मॉल पार्टिकल्स को देखना है, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। तो अगर आप इन वायरस को देखना चाहते हैं, तो आप अगर इन वायरस मतलब सैंपल को लेकर अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो आपको ये जो वायरस है वो आप इससे देख सकते हैं। तो इसे सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि वायरस क्या है, ये इंटरकनेक्शन बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि अगर सपोज़ ये जो वायरस हैं किसी सरफेस पे पड़े हुए हैं, जैसे कि वुडन ब्लॉक हो सकता है या मेटल हो सकता है, या कोई टेबल हो गया या चेयर हो गया या कोई सरफेस हो गया, तो वहाँ पे ये क्या होता है, ये डेड होते हैं, मतलब ये इनएक्टिव रहते हैं। तो इन्हें एक्टिव होने के लिए एक होस्ट चाहिए होता है। तो जब तक ये होस्ट के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, तब तक ये इनएक्टिव रहते हैं, यानी कि डेड रहते हैं। और जैसे ही इन्हें कोई होस्ट मिलता है, तो ये जाके एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि एक्टिव हो जाते हैं और डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ जो कि वायरस वायरस कॉज करती है। तो हम लोग जैसे कि सबसे जो नॉर्मल सी डिजीज़ है, या नॉर्मल से हम लोग बोल सकते हैं जो कोल्ड, जैसे कि कॉमन कोल्ड, यानी कॉमन कोल्ड क्या है, वो एक इन्फ्लुएंजा वायरस के थ्रू मतलब स्प्रेड होता है। तो कॉमन कोल्ड जैसे कि कभी भी देखते हैं कि मौसम का चेंज होता है, जैसे कि कभी ठंडी से गर्मी में यानी कि टेम्परेचर वेरिएशन होता है, या कभी विंटर सीजन, या सपोज़ हम कह सकते हैं कि या सर्दी से गर्मी, मतलब कि अगर सपोज आप किसी AC रूम में बैठे हुए हैं और सडनली वहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री है, अब अगर आप बाहर जा रहे हैं तो जब सपोज़ बाहर का टेम्परेचर समर सीजन में 35 डिग्री और 40 डिग्री होता है, तो आपको ये टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से कभी कभी क्या होता है कि लोगों को कॉमन कोल्ड हो जाता है। ये कॉमन कोल्ड बहुत ही नॉर्मल होता है, और इसका जो कॉजिंग वायरस है वो इन्फ्लुएंजा वायरस, यानी कि ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस के थ्रू फैलता है। तो ये जो कॉमन कोल्ड, इसमें क्या होता है कि नॉर्मली सर्दी, जुकाम, बुखार यही आता है, और लगभग 1-3 से 4 दिन या हम कह सकते हैं मैक्सिमम 1 वीक के अंदर जो इंसान है वो अपने ऑटोमेटिक जो इम्यून सिस्टम है उसके थ्रू जो होता है इंसान वो ऑटोमेटिक रिकवर कर लेता है। तो अब इसकी हम बात करेंगे मॉर्टेलिटी रेट की, यानी कि कितने परसेंट या कितने लोग इसमें मरने का चांस है। तो इसका मॉर्टेलिटी रेट बहुत ही कम है, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर 10,000 लोगों में सिर्फ एक लोग जो है उसकी मृत्यु होती है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें तो अदर डिजीज़ की, जैसे कि सार्स, मर्स, तो सार्स क्या है, ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, तो ये भी क्या है, एक कोरोना वायरस फैमिली की ही डिजीज़ है, तो इसे भी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के थ्रू ही होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो सार्स, ये थोड़ा इसका तो मॉर्टेलिटी रेट है वो ज़्यादा है, 10% है। और जो मेन इसका ओरिजिन है, यानी कि कौन सी कंट्री में इसका ओरिजिन हुआ, तो चाइना। तो चाइना क्या था, सबसे पहले जो सार्स जो डिजीज़ है वो चाइना में ओरिजिन हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मर्स की, यानी कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये भी एक कोरोना वायरस फैमिली से ही बिलोंग करता है। अब इसका जो आउटब्रेक हुआ था वो 2 ईयर में हुआ था, 2012 में, 2015 में, और जो इसका मॉर्टेलिटी रेट है वो है अप्रॉक्स 20-30%, यानी कि 100 लोग इन्फेक्टेड हैं, 100 लोग हैं तो उनमें 20-30 लोगों को का मतलब कि मरने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इन 2012 में क्या था कि इसका जो ओरिजिन था वो सऊदी अरेबिया में, मतलब कि जो इसका आउटब्रेक हुआ था वो सऊदी अरेबिया में हुआ था। वहीं 2015 में जो इसका आउटब्रेक हुआ था वो साउथ कोरिया में हुआ था। तो इसका जो आउटब्रेक वो 2 बार हो चुका है, 2012 में, 2015 में। अब हम बात कर लेते हैं कोविड-19 की। सो कोविड-19 ये भी एक टाइप का हम बोल सकते हैं कि
कोरोना वायरस फैमिली से ही आया हुआ है, लेकिन ये नॉवेल है। मीन्स इसका सडनली नॉर्मली क्या होता है, जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं कि अगर वो किसी सरफेस पे पड़े हुए हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो वो डिजीज़ नहीं कॉज कर सकते। जब तक उन्हें होश नहीं मिलेगा तब तक वो डिजीज़ कॉज नहीं कर सकते। लेकिन ये COVID-19 जो ये नया वायरस है, नॉर्मली क्या होता है, जो वायरस होते हैं वो मोस्टली एनिमल्स में ही जो डिजीज़ है वो कॉज करते हैं। लेकिन वायरस के अंदर एक बहुत ही अच्छी सी टेंडेंसी होती है कि जैसे ही वो उन्हें सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है, यानी कि सपोज़ हम कह सकते हैं अगर उनके फेवरेबल एनवायरनमेंट हैं, तो जाके ये जो वायरस होता है वो इन्फेक्ट करना स्टार्ट हो जाता है या वो एक्टिव हो जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे जो एनवायरनमेंट में बहुत सारे वायरसेस हैं, हम इवन नहीं जानते कितना वायरसेस, ये मे बी हज़ारों लाखों करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन हम बात कहेंगे कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो रहा है, इतना अच्छा है कि वो क्या करता है कि इन सब वायरसेस से, बैक्टीरिया से लड़ता रहता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम इन वायरस से लड़ पाते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है कि हम इनसे जीत भी जाते हैं। लेकिन जो COVID-19 जो ये वायरस है, जो कि चाइना के वुहान कंट्री से इवॉल्व हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है, तो इसका जो मॉर्टेलिटी रेट है वो 2-3% है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मली सास मर्स से ये कम रिस्क वाला है, मतलब कि अगर 2-3%, यानी कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें अगर 100 लोग इन्फेक्ट हैं तो उसमें सिर्फ 2 या 3 लोग ही मरेंगे। और ये मरेंगे कब, जब अगर जितने भी आप लोगों ने केस अभी तक देखे होंगे, तो उसमें क्या है कि जो भी लोग की डेथ हुई है उसमें क्या है, उन्हें या तो कोई सीवियर डिजीज़ थी, जैसे कि उन्हें सपोज कि हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या लंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, या उनके अंदर क्या है कुछ जो शुगर लेवल है वो हाई है, तो उन केस में ही जो डेथ्स हुई है। लेकिन अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो उसकी जो डेथ है उसका रेट बहुत ही कम है, यानी कि एडल्ट में 0.2-0.3% डेथ रेट है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कुछ जो 50-60 ईयर्स के जो लोग हैं, उनमें जो ये डेथ रेट है वो ऑलमोस्ट 2-3% है। तो हम जैसा कि देख सकते हैं कि सास और मर्स जो कि मॉर्टेलिटी रेट जिनका बहुत ही ज़्यादा था, उसकी कंपेरिजन में COVID-19 का जो मॉर्टेलिटी रेट है वो बहुत ही कम है। तो इससे इतना रिस्क वाला वायरस नहीं है, लेकिन तब भी प्रिकॉशन तो हमें लेने ही चाहिए, क्योंकि एक्चुअली इसका जो ट्रांसमिशन है वो बहुत तेज़ी से फैलता है। मतलब किसी भी सरफेस को आप अगर इन्फेक्टेड सरफेस, यानी कि अगर वहाँ पे वायरस पड़ा हुआ है, अगर उसे आपने टच कर लिया या, तो ये बहुत ही ईजिली स्प्रेड हो जाता है। तो इसीलिए इसके लिए बस प्रिकॉशन लेने ही पड़ेगा, क्योंकि COVID-19 जो है वो उसका मेन चीज़ है ट्रांसमिशन जो है वो बहुत ही ईजिली हो रहा है, मतलब कि ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये जो वायरस था पहले ये सिर्फ ओनली इन एनिमल्स में इन्फेक्ट करता था, लेकिन इसने इसकी खूबसूरती देखिए कि इसने आपको ऐसा इवॉल्व किया, इसने आपको, मतलब कि एक टर्म होता है जिसे हम लोग साइंटिफिकली म्यूटेशन बोलते हैं, यानी कि इसने क्या किया, अपने जो जेनेटिक मटेरियल में कुछ ऐसा म्यूटेट किया, मतलब म्यूटेट किया जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसने जो एनिमल को पहले इन्फेक्ट करता था, अब उसने म्यूटेशन के थ्रू, अपने जेनेटिक मटेरियल म्यूटेशन के थ्रू इसने क्या किया, जो एनिमल्स से जो ह्यूमंस में ट्रांसमिशन हुआ, मतलब कि अब तक ये क्या कर रहा था, सिर्फ एनिमल्स में ही इन्फेक्शन कर रहा था, लेकिन जैसे ही इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो म्यूटेट हुआ, अब वो म्यूटेट होने की वजह से क्या हुआ, इसने अब ह्यूमंस में भी ट्रांसमिशन करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसा आप देख रहे ग्लोबली क्या हो रहा है कि जितनी भी कंट्रीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, जितनी भी कंट्रीज, मोस्टली कंट्रीज़ में क्या है कि ये जो वायरस है वो स्प्रेड हो चुका है। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ, जो चाइना है, चाइना ने लगभग अपना जो COVID-19 या जो भी ये वायरस है SARS-CoV-2 उसको क्या किया है, उसको मतलब कि रिकवर कर लिया, मतलब वहाँ पे जितने पर्सन थे, मतलब कि अब वहाँ पे क्या है कि उनका जो नंबर्स है वो बिल्कुल घट गया, यानी कि वहाँ पे केसेस जो लास्ट 5-6 डेज में वहाँ कोई केसेस नहीं आ रहे, मतलब कि चाइना ने पूरा अपना रिकवर कर लिया है। तो वहाँ पे अभी अब जो इन्फेक्टेड पीपल है उनका नंबर 0 है। तो क्या हो रहा है कि अब वहाँ पे तो चाइना ने रिकवर कर लिया, लेकिन जो और कंट्री है जैसे इटली है, ईरान है, USA है, वहाँ पे क्या है इसका स्प्रेड अभी भी हो रहा है, मतलब वहाँ पे अभी इन्होंने कंट्रोल नहीं कर पाया है। तो दोस्तों अब इसका, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मोस्टली जितने भी वायरस हैं सबका जो ओरिजिन होता है, या हम लोग कह सकते हैं जो उसका किस एनिमल से ओरिजिन होता है, वो मोस्टली बैट है। लेकिन अभी COVID-19 के बारे में कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि इसका जो मेन ओरिजिन एनिमल है वो क्या है। तो मोस्टली पीपल दे आर सेइंग दैट बैट इज़ द ओरिजिन
फ्रॉम बैट इट केम बट वी डोंट नो लाइक फ्रॉम विच पार्टिकुलर एनिमल इट केम. सो इसके लिए अभी हम लोग को थोड़ा और वेट करना पड़ेगा कि पार्टिकुलरली ये किस एनिमल से आया है. जैसे कि अगर हम लोग देख सकते हैं कि जो सार्स जो है उसका जो मेन ओरिजिन है वो चाइना में ही है, और मर्स का सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, और कोविड 19 का वुहान चाइना. तो मोस्टली जो वायरस आते हैं वो मोस्टली चाइना से, डोंट लुक क्योंकि मे बी उनका जो हम कह सकते हैं कि लाइक वो सारे फूड खाते हैं, सी फूड भी, लाइक कोई भी ऐसा फूड नहीं है जो वो खाते ना हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे फूड हो, चाहे वो सी लाइक एनिमल्स हो. तो वो ऐसा कोई भी लाइक एनिमल नहीं है जो खाते नहीं है. तो मे बी कुछ इसी वजह से जो ये वायरस है मोस्टली वो चाइना से ही ओरिजिनेट हो रहे हैं. तो दोस्तों मेरा ये एक नॉर्मल सा लाइक छोटा सा कोरोना वायरस अपडेट था जिसमें मैंने आपको पूरा लाइक जो भी डिजीज़ है या जो भी वायरस है और उनका जो मॉर्टेलिटी रेट क्या है या उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है और वो कैसे इफेक्ट करते हैं लाइक वायरस टू देन एनिमल्स एंड देन फ्रॉम एनिमल्स टू होस्ट. तो मैंने वो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब शेयर ज़रूर करें. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू, धन्यवाद.